हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सनरेखा ITI। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उन में जानेंगे, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल भागों के बारे में हम समझेंगे। तो जैसा कि आप पा रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स रखे गए हैं, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी है यहाँ पर। तो यहाँ पहला जो हम देख रहे हैं ये हमारा CPU है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमारा ये मॉनिटर है। उसके बाद नेक्स्ट इसके ठीक बगल में ये प्रिंटर रखा हुआ है, जो एक आउटपुट डिवाइस है। ये हमारा उसके बाद नेक्स्ट है कीबोर्ड, जो कि USB टाइप है, क्योंकि इसका जो ये पोर्ट आप देख पा रहे हैं ये पोर्ट USB टाइप है। वैसे ये पिन टाइप का भी कीबोर्ड आता है, आजकल मार्केट में ये USB टाइप ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट ये माउस है, ये माउस भी USB टाइप माउस है। उसके बाद कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टर हैं, जैसे देखिए ये CPU और मॉनिटर का कनेक्टर है ये। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा पावर कॉर्ड है, CPU में पावर सप्लाई देता है। उसके बाद ये प्रिंटर के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो इनपुट आउटपुट का काम करता है, ये प्रिंटर से कनेक्टेड होता है। तो ये कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह हैं। इसके बाद आज इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे कंप्यूटर में। तो बेसिकली इंटरनल हार्डवेयर सिस्टम होता है वो इस CPU में ही होता है। इस CPU के अंदर ही हमारा मदरबोर्ड यानी IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, और हार्ड डिस्क वगैरह, रैम वगैरह सब इसी के अंदर ही स्टोरेज होता है, इसी पे ही कनेक्टेड रहता है। तो इसी को हम आज खोलकर बाकी के हार्डवेयर सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसे खोलकर SMPS को डिसमेंटल किया है। देखिए इसके अंदर जो हार्डवेयर सिस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले SMPS, जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई, ये हमारा SMPS है, ठीक है। इसमें एक फैन लगा हुआ देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये कूलिंग के लिए इसमें फैन दिया जाता है। ये एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन फिर ये AC पे चलता है, लेकिन इसे पावर सप्लाई DC, क्योंकि ये पूरी तरह DC पे काम करता है। तो ये SMPS ही तो AC को DC में चेंज करके कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम जो देख रहे हैं ये हमारा IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है पूरा। इसे हम सिंपली बेसिक भाषा में इसे मदरबोर्ड कहते हैं। इसमें भी एक यहाँ पे देखिए एक फैन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक एल्यूमिनियम फॉइल आपको दिख रहे होंगे, ठीक इसके नीचे भी है, हीट सिंक का काम करता है, इसकी वजह से ये फैन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मदरबोर्ड पर ही हमारा रैम भी लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे रैम कार्ड है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ये कार्ड, यहाँ पे हमारा रैम लगा होता है, जहाँ की रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर रोम भी होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कि काम आता है कौन, हार्ड डिस्क। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा इस कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, ठीक है। सारे डेटा इसी में स्टोरेज होते हैं, ये हमारा हार्ड डिस्क है। इसके अलावा इसमें CD ड्राइव भी रहता है, जिसको हमने अपने नीड के हिसाब से हम इसमें फिट जगह पे फिट होता है। और चूंकि इसमें हार्डवेयर में और कुछ है नहीं, ये बाकी सब इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो ये वायर वगैरह सब, कनेक्टर वगैरह सब आप देख रहे हैं। तो इस तरह से एक CPU में सारे पार्ट्स की जरूरत होती है, जिससे हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से ऑपरेट होता है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज था कंप्यूटर का। इसके बाद अगर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स,
आप सभी से अच्छे से समझिए और बेसिक कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए, आप सभी घर पर ही रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और हमारे साथ अच्छे अच्छे वीडियोस में बने रहे और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।